बहुत इंटरनेट में सर्च कर रही थी कि कैसे रेसिडेंट परमिट के लिए अप्लाई करना है, अपॉइंटमेंट कहाँ से लेना है, लेकिन मुझे एक भी जगह नहीं दिखा जहाँ से अपॉइंटमेंट ले लेना हूँ। तो रेसिडेंट परमिट के लिए हम ऐसे अपॉइंटमेंट मॉर्निंग, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल पूनम सेटल वर्ल्ड। तो मेरा नाम पूनम है और मैं यहाँ पे जर्मनी में रिसर्च जॉब करती हूँ और मुझे यहाँ पे आए हुए ऑलमोस्ट 2.5 months हो गए हैं और आज मैं जा रही हूँ अपना वर्क परमिट लेने के लिए। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अब मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि आप अगर जर्मनी आते हैं तो आपको कैसे अपना वर्क परमिट लेना चाहिए। जब मैं आई थी तो मुझे जो वीज़ा मिला था वो 6 months का मिला था, फिर यहाँ पे आके आपको इसको एक्सटेंड करवाना होता है। तो मैं जब यहाँ आई थी तो मुझे तो अभी है ऑफिस का टाइम, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी रश होता है क्योंकि मॉर्निंग है, ऑफिस टाइम अभी 7:30 हो रहा है और अभी सब ऑफिस जा रहे हैं और वेदर आप देखिए कितना प्यारा है। तो अब मैं पहुंच चुकी थी ऑफिस और मेरा अपॉइंटमेंट था 5:00, तो मैं उसके पहले यहाँ पहुंच चुकी थी और अभी मैं बता रही हूँ कि मुझे मेरा रेसिडेंट परमिट मिल गया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और अब मैं निकल चुकी थी ऑफिस के लिए क्योंकि ऑफिस का भी टाइम हो गया था, मुझे लगी थी बहुत तेज भूख तो मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट पैक करवा लिया था और यहाँ पे ऑफिस में आके मैं कॉफ़ी बना रही थी और मैं आज काम करते करते ब्रेकफास्ट प्लस कॉफ़ी पीऊँगी। और काम करने में मैं इतना बिजी हो गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला, बाहर इतनी बारिश हो रही थी और लंच टाइम भी हो गया था तो हम निकल चुके थे लंच के लिए। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि लंच पे मैंने क्या क्या खाया। वैसे मैं जब से यहाँ पे आई हूँ मैं वेज ऑप्शन ही बहुत ट्राई करती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे डिशेस होते हैं जो मुझे ट्राई करना है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं आज क्या खाई थी। ये जो है ये पूरा दाल, किसी दाल से बना हुआ है और बहुत टेस्टी था और यहाँ पे ये वो रेड वाला जो दाल होता है उसे इस टाइप से बनाए थे और ये यहाँ पे मैं ली हूँ खुसखुस और सैलेड। तो ये मेरा था पूरा भरा वाला प्लेट लंच का और ये है हमारा यूनिवर्सिटी कैंटीन जिसको कहते हैं मेंशा। बहुत सारा काम करने के बाद अब हो गया था टाइम वापस घर आने का, लेकिन जैसे ही मैं घर आ रही थी मुझे वेदर इतना प्यारा दिख रहा था और वहाँ पे ये पर्पल कलर का फ्लावर जो कि अभी ये जितने सारे ट्री थे उसमें अब ये फ्लावर आने स्टार्ट हो गया और ये बहुत सुंदर दिख रहा था, आप लोग भी देख सकते हैं बहुत ही प्यारा। ये पर्पल प्लस पिंक कलर के फ्लावर्स हैं जो अभी आ रहे हैं इस ट्री में। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जर्मनी में रेसिडेंट परमिट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जब मैं यहाँ पे जर्मनी आई थी तो मुझे जो वीज़ा मिला था वो 6 months के लिए मिला था। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस जॉब कैटेगरी में आ रहे हैं, यहाँ पे आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वीज़ा मिलता है। मेरे लिए 6 months था लेकिन यहाँ पे जो मैं जॉब के लिए आई हूँ वो 4 3 years है। तो यहाँ जब आपका 6 months कंप्लीट होने वाला होता उसके 2-3 महीने पहले ही आपको आपके रेसिडेंट परमिट के लिए अप्लाई करना होता है और ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग प्रोसेस होता है। बिकॉज जब मैं यहाँ पे आई थी और जब भी मैं किसी से पूछती थी तो दे वाज लाइक कि यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन
एंड यू हैव टू टेक द अपॉइंटमेंट. और जब मैं अपॉइंटमेंट के लिए सर्च करती थी, मुझे सच कुछ मिलता नहीं था कि जहाँ पे डेट अवेलेबिलिटी हो, लाइक नॉट फॉर दिस मंथ, फॉर द नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ, बट मुझे ऐसा कुछ इंटरनेट में नहीं देखने को मिलता था. तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थी. तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ वो सारे प्रोसेस शेयर करना चाहती हूँ आज, ताकि आपके आप में से भी कोई ये जर्मनी आ रहा है तो उसे ये कन्फ्यूजन और ये डाउट ना हो. और उसके बाद भी अगर आप यहाँ जर्मनी में हैं और आप रेसिडेंट परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, और आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. और आप में से कोई अगर पहली बार मेरे चैनल को देख रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें. तो जब मैं यहाँ जर्मनी आई थी तो मैं बहुत इंटरनेट में सर्च कर रही थी कि कैसे रेसिडेंट परमिट के लिए अप्लाई करना है, अपॉइंटमेंट कहाँ से लेना है, लेकिन मुझे एक भी जगह नहीं दिखा जहाँ से अपॉइंटमेंट लेना हो. तो रेसिडेंट परमिट के लिए हम ऐसे अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं, इसका अलग प्रोसीजर होता है जिसको मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगी. और मैं आपको साइड में दिखाऊंगी कि आपको कैसे इस प्रोसीजर को कंप्लीट करना है, वो कौन कौन से स्टेप होते हैं जो आपको कंसिडर चाहिए. तो सबसे पहला बात ये कि आपको मैं अभी एक लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी बता दूंगी और अभी आपको मैं डेमो में भी दिखाऊंगी कि आपको किस वेबसाइट में जाना है और वहां पे जाके आपको कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है. तो पहले मैं आपको उस वेबसाइट को दिखाती हूँ और उसके बाद हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं. तो ये है वो वेबसाइट. तो क्योंकि मैं हाइडलबर्ग में हूँ तो मैंने यहाँ पे गूगल में सर्च किया हाइडलबर्ग रेसिडेंट परमिट जर्मनी. तो आपको इस तरीके का एक पेज दिखेगा जो कि बेसिकली रजिस्ट्रेशन एंड रेसिडेंट परमिट के लिए है. यहाँ पे मैंने लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया. आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा. तो आप यहाँ पे रीड कर लीजिए कि आपको कुछ भी डाउट ना रहे. एंड देन यहाँ जनरल कंडीशन फॉर ग्रांट, वहाँ पे आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट का वो देखने को मिलेगा और एक एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा. तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले आप अपना लैंग्वेज इंग्लिश कर लीजिए. एंड देन यहाँ पे आप देखेंगे व्यू ऑल इन्फॉर्मेशन का एक पॉइंट होगा और यहाँ पे आप देखिए कि आप 7 पॉइंट में है रेसिडेंट परमिट एंड 8th पॉइंट में है एक्सटेंशन ऑफ रेसिडेंट परमिट. क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी रेसिडेंट परमिट होता है फॉर सम टाइम और यहाँ आके हमें एक्सटेंड करवाना होता है, तो हम यहाँ पे एक्सटेंड फॉर द रेसिडेंट परमिट को क्लिक करेंगे. एंड देन यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप जाएंगे. अब जैसे यहाँ नेक्स्ट स्टेप जाएंगे, यहाँ पे आपको फिर से दिखेगा बहुत सारा पॉइंट. यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है एक्सटेंशन ऑफ द रेसिडेंट परमिट एंड देन आपको रीज़न बताना है कि आपको यहाँ क्यों एक्सटेंड करना है. फॉर एग्जाम्पल, इन माई केस इट वॉज द एम्प्लॉयमेंट, तो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट किया है. एंड देन हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप को सेलेक्ट करेंगे. फिर आपको ये फॉर्म देखने को मिलेगा जो कि इस टाइप से, और यहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन बहुत केयरफुली सबमिट करना है क्योंकि यही वो एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपका जर्मन एम्बेसी के पास जाएगा और वो सारे इन्फॉर्मेशन को थोरली उसको देखने के बाद आपको अपॉइंटमेंट देंगे. तो आप यहाँ पे बहुत केयरफुली सब अपॉइंट को पढ़ के अच्छे से फिल करें. एंड क्योंकि अभी मैंने ये सब फिल नहीं किया यहाँ पे, इसलिए ये रेड दिख रहा है. और जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेंगे तो ऑलमोस्ट यू आर डन. इसके बाद आप एक, तो आई होप आपको पता चल गया है कि आपको किस साइट में जाना है और क्या क्या करना है. तो हाँ, यहाँ पे रेसिडेंट परमिट के लिए आपको ऐसा कोई वेबसाइट नहीं मिलेगा जहाँ पे आप देखेंगे कि आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ डेट अवेलेबल है एंड आप अपॉइंटमेंट बुक कर देंगे. आपको वो सारे, सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है. एंड देन जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हैं, उसके 4 वीक के बाद आपके पास, जब वो आपका एप्लीकेशन उनके पास पहुँच जाता है
ऑफिस में, देन आपका वो सब कुछ डॉक्यूमेंट चेक करते हैं क्योंकि आप ऑनलाइन ही उसे अपलोड करते हो। उसके बाद भी अगर उनको कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है तो वो आपको मेल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन आपका होगा वो मेल के थ्रू होगा। और जैसे कि जब मैंने अप्लाई किया था तो मेरा उस समय जब मैंने फॉर्म फिल किया था उस समय तो बस पासपोर्ट एंड एड्रेस रजिस्ट्रेशन मुझसे उस समय डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड था जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरी सैलरी स्लिप मांगी थी और टैक्स आईडी नंबर मांगा था एंड इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट मांगा था। फिर मैंने जब ये सब भी दे दिया था उसके आफ्टर 3 वीक मुझे मेल आता है कि अब मेरा सारा डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है एंड दे विल लेट मी नो कि कब अवेलेबिलिटी है एंड दे विल गिव मी द अपॉइंटमेंट फॉर द रेसिडेंट परमिट। फिर आफ्टर 3 वीक आई हैड रिसीव्ड द मेल फ्रॉम द जर्मन एम्बेसी दैट आई फाइनली गॉट द अपॉइंटमेंट फॉर द रेसिडेंट परमिट। तो आज मेरा था अपॉइंटमेंट डेट फाइनली। तो मैं यहाँ पे आई थी 20th December को और आज है 5th of March और मैंने फर्स्ट टाइम जो एप्लीकेशन फिल किया था ये मैंने किया था 12th of January। सो 12th of January से मैंने ये प्रोसेस स्टार्ट किया था और आज है 5th of March। तो ऑलमोस्ट 2 month के अराउंड मुझे अपॉइंटमेंट डेट मिल गया और आज जब मैं ऑफिस गई थी तो वहाँ पे बायोमेट्रिक हुआ। वहाँ पे मशीन होता है जहाँ पे वो आपका फोटो क्लिक करते हैं एंड देन आपका थंब इम्प्रेशन लेते हैं एंड देन आपको ऑफिस के अंदर जाना होता है दूसरे ऑफिस के अंदर और वहाँ पे वो आपका सिर्फ पासपोर्ट देखते हैं क्योंकि ऑलरेडी उनके पास सारा डॉक्यूमेंट होता है। और फिर उसके बाद एक रेसिडेंट परमिट का हार्ड कॉपी होता है जो कि वो आपको बोलते हैं कि आप के पास बाय पोस्ट आएगा और आफ्टर 6 वीक यू विल रिसीव दैट फिजिकल कार्ड ऑफ रेसिडेंट परमिट। ऑन स्पॉट आपको वो एक पेपर दे देंगे जिसमें ये लिखा होगा कि यू आर अलाउड टू लीव इन जर्मनी और वहां पे आपका टाइम पीरियड होगा कि कब से कब तक का आपको रेसिडेंट परमिट मिला है। तो ये सारा था प्रोसीजर और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड और मैंने आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है जो कि मैंने फेस किया था। और अगर आप भी आप में से भी कोई यहाँ पे आया है और उसे रेसिडेंट परमिट के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। और एक स्टूडेंट वीज़ा और स्टूडेंट से रिलेटेड वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और मिलते हैं नए दिन में नए वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू फ्रेंड्स।